ये कौन सा डॉग है जी? चाम निकाला हुआ है। ये दोस्तों नील गाय है, ये अपने स्टेबल में आराम कर रहा है जी। मस्त भी है। और दूसरा ये अरेबियन मिक्स है ना, डॉग है ये, हमारी मिक्स ब्रीड की रखी है। वेट करें, उसमें करवाएंगे आप, उसमें आपको मोर इसका नजर लग जाती, नजर नहीं लगनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको टीएम फार्म का विजिट करवाते हैं। टीएम फार्म के अंदर जितने परिंदे हैं, जितने जानवर हैं, एक एक करके आप दोस्तों को दिखाते हैं। जो घोड़े मौजूद हैं, परिंदे मौजूद हैं। टीएम फार्म का जो दोस्त हमारे पास नहीं आ सकते, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। क्या पूरे टीएम फार्म हाउस का हम विजिट करवाएंगे दोस्तों को, अपने जवान का भी तारफ करवा दें। ये अपने जवान है जी, अहमद प्याज साहब हैं माशाल्लाह, और ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जी, बतौर सिक्योरिटी के ये काम करते हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले क्या दिखाना है दोस्तों को? अच्छा जी, ये जो कपड़ा ऊपर पहना हुआ है, ये अमेरिकन एक जो कारवान होता है वो है जी। बेहतर हो गया। ये टीएम फार्म के जो डॉग्स हैं, कमाल हो गया। ये कौन सा डॉग है जी? ये जर्मन शेफर्ड है जी, सारे डॉग। ये दोस्त जो डॉग करने वाले हैं वो डॉग देखते हैं, थोड़ा सा ऊंची बोले ना, जो डॉग का शौक करने वाले हैं वो डॉग देख सकते हैं। ये जर्मन शेफर्ड हैं सारे, ठीक है। ये अपने रानवे में अपने अपने कमरों के सामने, ये सिर्फ पपी एक दफा दोस्तों को चेक करवा देते हैं, पपी से दूर से चेक करवा देते हैं, करीब जाएंगे डॉग का शोर बहुत ज्यादा होगा जी। ये दोस्तों चेक करें डॉग्स, पपीज, और सामने जो अडल्ट डॉग है वो है, और उधर चलते हैं है, इंग्लिश पॉइंटर भी चेक करवाने हैं अभी। हाँ जी, अच्छा, कुछ दिन पहले दोस्तों को एक वीडियो चेक करवाई थी, तो दोस्त कहते थे कि दीवार नजर आ रही है, तो ये क्या चीज़ है जी? ये जी गोल्ड रिंग बनाए हुए हैं यहाँ पे, हम डबल सॉलिड यूज करते हैं। एक तो हम करते हैं भी, ये हमारे डॉग भी चलते हैं यहाँ पे, और दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे हॉर्स भी चलते हैं। हॉर्स और डॉग दोनों हम यहाँ पे उनको वॉक करवाते हैं जी। बेहतर हो गया। और इधर ये ट्रेलर भी चेक करवा देते हैं। अच्छा, ये वाला यहाँ पे हम वॉकर बनवा रहे हैं जी, यहाँ पे वो वॉकर लगेगा। टीएम फार्म का ट्रेलर है, इसमें जो घोड़े हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है जी? ये हमारा नील गाय बच्चा हमने पाला हुआ है। ये दोस्तों नील गाय है, और सुबह सुबह का टाइम है, सोचा कि दोस्तों को विजिट करवा दें, एक एक चीज आप दोस्तों को चेक करवाएंगे जी। ये दुल्ले स्याल वाला नुकरा है, ये आप चेक कर सकते हैं, वाइट नुकरा है। ये अपने स्टेबल में आराम कर रहा है जी, मस्त भी है। और दूसरा ये अरेबियन मिक्स है ना जी, ये अरेबियन हलालांसो की बच्ची और देसी घोड़ी में से, देसी में से बहुत आला क्लास की। अच्छा, जो हमारे दोस्त कहते हैं ना 16 पन, हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे आके हमें कहते हैं 20 घोड़ी में 20 पन, 16 नहीं, इतना ये अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये दोस्त मड़वारी हिटलर चेक करें दोस्तों। पहले दोस्त कहते थे कि आप मुकम्मल जो चीज़ें हैं वो विजिट नहीं करवाते, तो ये हम आपको प्रॉपर विजिट है वो करवा रहे हैं।
ये थार ब्रेड है जी, ये डच वाम, डच वाम जी। ये वीडियो दोस्तों मुकम्मल आपने देखनी है, आप देखेंगे आपको बड़ा कुछ, थोड़ा सा ऊंची बोल रहे आपको बड़ा कुछ दिखाने वाले हैं। ये वाकई बड़ा, ये शेरू है, अरेबियन हॉर्स, बड़ा कुछ अभी दिखाने वाले हैं आपको, आपने वीडियो एंड तक देखनी है जी। एक ये भी अभी यंग मैन है दोस्तों, ये डच वाम, सुबह सुबह का टाइम है, अभी हम एक्टिव भी नहीं हुए तो सोचा कि सुबह सुबह दोस्तों को जो नज़ारा है वो करवा दें। ये जी ब्रालों वाली ब्लड लाइन में से मुश्का, बहुत प्यारा घोड़ा है, बड़ा प्यारा स्टालियन है, इसकी चाल बड़ी खूबसूरत है, नेजाबाजी बड़ी आला खेलता है, सुल्तान सुल्तान ब्रालों वाली ब्लड लाइन में, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्पीड है इसकी। ये आगे जी नुकरी शहजादी, शहजादी घोड़ी, शहजादी घोड़ी है जी बड़ी प्यारी। ये अरेबियन है जी जो डेनमार्क से इम्पोर्ट शुदा है, अरेबियन लेंड्रा घोड़ी, ये बलेंड्रा है। हाँ जी ये बलेंड्रा। अच्छा ये बच्चा देने वाली है, कितने दिन तक ये बच्चा डिलीवर कर दूँ? ये बच्चा अभी है जी इसके पाँच महीने के बाद करेगी, पाँच महीने। ये दोस्तों चलते रहेंगे स्पीड से, ये हमारा बहुत अच्छा। इसमें हमारे हैं जी इंग्लिश पॉइंटर, इंग्लिश पॉइंटर हैं, गोल्डन रिट्रीवर हैं, और लैब्रा डॉग हैं, ये हमारी मिक्स ब्रीड है। वैसे इस तरह छोटे नहीं है ये, लेकिन सुबह का टाइम है तो एक लफड़ा डॉग को रेस्ट देते हैं, कुछ ये सुबह सुबह का टाइम है तो सफाई की जा रही है, चेक करें। अच्छा जी सफाई हो रही है, और दोस्तों ये बकरियों के लिए मॉडर्न जो बाड़ा है वो बनाया गया है, इसके अंदर बकरियां रखते हैं। बाकी आज मुर्गियां खुली क्यों छोड़ी हुई हैं? मुर्गियां डेली जनाब खुली रहती हैं, नेचुरल फिरती चलती हैं, पर ये अपने अपने टाइम होते हैं ना जानवरों के, इस वक्त वर्किंग का टाइम है और जानवरों के वॉक का भी टाइम है, ये भी अपनी वॉक कर रही है। अच्छा ये जी इनके लिए एसी लगाया गया है, एसी कूलर, ठीक है। और अब तक जो आपको विजिट करा सके वो करवाया, आगे आपको वीडियो का आप वेट करें उसमें करवाएंगे, उसमें आपको मोर और बाकी जो परिंदे हैं ये वो चेक करवाएंगे, बकरियों के जो बाड़े हैं बाड़ों के अंदर से करवाएंगे, सब तैयार किया हुआ है अभी यहाँ पे। अभी तो अरेबियन और दूसरे हॉर्सेज हैं जो वो चेक करवाने हैं, तो दोस्त हमारे साथ देखने रहे हैं, बहुत कुछ है और काफी बड़ा माशाल्लाह फार्म है, बहुत ज्यादा वीडियो पे इंतजार करें, और इसमें आपका रिस्पांस दोस्तों का देखते हैं, इतनी ज्यादा रिस्पांस आप, प्रैक्टिस भी नहीं थी तो हमने विजिट करवा दिया आप दोस्त। और सवेरे गड़े के देखते रहना है।
जी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।